नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। महाराष्ट्र के भिवंडी में 3 मंजिला इमारत ढही, अब तक 10 लोगों की मौत। 12 सरकारी बैंकों में 30,000 करोड़ की धोखाधड़ी, एसबीआई में सबसे ज्यादा मामले। बिहार चुनाव से पहले सौगातों की बारिश, पीएम से सीएम तक कर रहे हैं परियोजनाओं का शिलान्यास। यूपी में आज से नहीं खुलेंगे स्कूल, कोरोना के बढ़ते मामलों ने फिर से लगाया ब्रेक। इंडस्ट्री की राय, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के साथ पूरा नया शहर बसाने की जरूरत, मुंबई में त्रस्त लोगों को चाहिए आवासीय सुविधाएं। उद्धव आदित्य ठाकरे और सुप्रिया सुले की बढ़ सकती है मुश्किलें, चुनाव आयोग ने कहा कि झूठा हलफनामा दिया। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने रविवार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। केरल के एर्नाकुलम के एक खदान में हुआ विस्फोट, 2 मजदूरों की मौत। फेसबुक इंडिया के प्रमुख ने हेट स्पीच से निपटने के तरीके का किया बचाव। जीएसटी की भरपाई के लिए 21 राज्य लेंगे 97,000 करोड़ कर्ज, जीएसटी परिषद के विकल्पों पर जताई सहमति। तेलंगाना के कोमाराम भीम जिले में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर। सरकार ने बिजली कंपनियों को दिया 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद से आम जनता हो चुकी है परेशान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कॉरपोरेट संस्थानों पर नजर रखेगी सरकार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करके जम्मू कश्मीर को ज्ञान का केंद्र बनाए। कृषि विधेयकों पर मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा कि एमएसपी से खरीद हो रही है और होती रहेगी। कुपोषण के खतरे को कम करने में आयुष मंत्रालय करेगा मदद, महिलाओं को मिलेगी योग की शिक्षा। एनआईए के मुताबिक अलकायदा आतंकी साजिश के मुख्य आरोपी ने किया था भारत के कई स्थानों का दौरा। राज्यसभा में रविवार को हुआ जमकर हंगामा, भाजपा बोली कांग्रेस के लिए किसान महज वोट बैंक। टीएमसी सांसद का आरोप, विधेयकों पर विपक्ष के मतदान कराने की मांग को उपसभापति ने किया अनसुना। अब तक अर्धसैनिक बल के 32,238 जवान हो चुके हैं कोरोना के शिकार। कृषि विधेयक पर कांग्रेस सांसद अहमद पटेल ने उठाए सवाल, कहा हमारे घोड़े से अपने गधे की तुलना ना करे सरकार। कांग्रेस ने कहा कि खेती कॉरपोरेट क्षेत्र को देने के लिए लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं किसान हूं और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य न खत्म होने का वादा करता हूं। यशराज फिल्म्स का सबसे बड़ा फैसला, थिएटर खुलने पर होगा नई मेगा बजट फिल्म्स का ऐलान।